पूरे देश में कोई एक विचारधारा लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व पैदा हुआ है, समाज को समाजीकरण में जोड़ने का अगर किसी के पास अगर कुतबा है, किसी के पास अगर हिम्मत है, तो एक ही विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद। लालू जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आरजेडी की शासन थी तो कै प्रसिद्ध यादव छोड़कर दूसरे समाज को टिकट देते थे? लालू यादव जी की जब सरकार थी तो क्या यादव ही सिर्फ दिखता था? जिस मुसलमान के नाम पे सारे मुसलमानों का वोट लिया, आपसे ज्यादा परसेंटेज है उसका। समाज का जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा, सबसे काला अक्षर से एक कोड़ी कुर्मी और गुवार का इतिहास लिखा जाएगा कि समाज परिवर्तन में इसने व्यवस्था नहीं की। हम गठबंधन क्यों करें उसके साथ? हम गठबंधन की बात करने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मुझे जूता के नीचे रखे वो गठबंधन की बात करते हैं, और मैं चाहता हूं कि बराबरी की बात की जाए। जिसके बाप दादा कांग्रेस के साथ दोस्ती करके हम पे जुल्म और जाति किए, उसका बेटा आज बीजेपी समझ गया है, लेकिन मेरे बाप दादा उस समय ना तो कांग्रेस की चाल समझे ना आज बीजेपी की चाल समझ पा रहे। अरे जनक राम के साथ मैं भी काम किया हूं। जनक राम मेरे जात का सिर्फ हो सकता है, जनक राम समाज का अब नहीं हो सकता। जनक राम मेरे जात का सिर्फ हो सकता है, जनक राम समाज का अब नहीं हो सकता। हम पूछे जब सियान हुए, हम बोले कि जगदेव वाला टोपी आपको अच्छा नहीं लगा, तो जगदेव जो है सो चमरवा दुसरवा के पार्टी। क्या बोला? ये कितनी सामाजिक सोच हमारे कुशवाहा समाज से हूं, ये मेरे अंदर में घर घर में भरा हुआ है, और कितनी तोड़ व्यवस्था करके कांग्रेस नहीं रखी थी कि हमारे समाज को एक नहीं होने दे रही थी। माननीय बहन जी मेरे भी सम्मान, लेकिन साथ देके बहन जी का हम सतीश मिश्रा का सरकार नहीं बना सकते। बहन जी का साथ देके बीजेपी का कठपुतली नहीं बन सकते हैं। अगर साथ देना चाहते हो साथियों, तो यहां पर आज डिसीजन लेना होगा समाज को। हम यहीं पे आके भटक जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमने भी कभी सहमति बताई होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आज आपके नहीं है। उनकी विचारधारा आज कुशवाहा के सम्राट अशोक की विचारधारा से नहीं मिलती है, जय श्री राम के विचारधारा से अब मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं समाज के, हम अपने लोगों से, बैकवाट के लोगों से, ये समाज की सबल जातियां रही है कोड़ी कुर्मी और यादव, ये तीनों जातियां आज के डेट में अपने लालच में अपने सत्ता के लिए सारे समाज को दिग्भ्रमित कर रही है, कृष्णवंशी बने हुए हैं। ये कुशवाहा समाज से पूछता हूं, किस संविधान में लिखा हुआ है भाई कि राम के वंशज लाओ कुछ कोई कुर्मी? जिसके बाप दादा कांग्रेस के साथ दोस्ती करके हम पे जुल्म और जाति किए, उसका बेटा आज बीजेपी समझ गया है, लेकिन मेरे बाप दादा उस समय ना तो कांग्रेस की चाल समझे ना आज बीजेपी की चाल समझ पा रहे। मेरे बाप दादा को थोड़ा सा सम्मान देके जवाहरलाल नेहरू का टोपी पहना के पूरे समाज को टोपी पहनाया, और हमारे पूर्वज कहते थे, हम भी जब बच्चे थे तो देखते थे दादाजी को टोपी लगाते थे, तब पूछते थे कैसा टोपी है, तो बोलते थे जवाहर वाला टोपी है। हम पूछे जब सियान हुए, हम बोले कि जगदेव वाला टोपी आपको अच्छा नहीं लगा, तो जगदेव जो है सो चमरवा दुसरवा के पार्टी। क्या बोला? ये कितनी सामाजिक सोच हमारे कुशवाहा समाज से हूं, ये मेरे अंदर में घर घर में भरा हुआ है, और कितनी तोड़ व्यवस्था करके कांग्रेस नहीं रखी थी कि हमारे समाज को एक नहीं होने दे रही थी। साथियों जब हम पढ़ाई अवर में थे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं 2001 का एसएससी क्वालिफाई हूं भारत सरकार में, फिर मैं नौकरी छोड़ के आया, बाबूजी से मुआ टूटी हो गई। थोड़ा सा बता देता हूं, 2006 में मैं आईसीआईसीआई का रीजनल मैनेजर रहा, 2009 के जून तक बिहार सरकार में टीचर का नौकरी किया, लेकिन मन कभी भी अस्थिर नहीं रहा, क्योंकि जहां भी जाता था सामाजिक विरोध जिस दिन मैं करता था उस दिन हमको हरा घंटी के बदला लाल घंटी दिखाई देता था, और आना तो मुझे यही था जहां समाज का विचारधारा मिलता था। दोस्तों मेरी भी शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत हुई, और बिहार के प्रभारी तक मैं बना था, माननीय बहन जी के साथ चार चार सभाएं मैंने की थी, लेकिन अब यहां पे हम लोगों को भी सोचना है कि बहन जी का आप सम्मान देने लायक है, बहन जी का आप साथ देने लायक नहीं है। माननीय बहन जी मेरे भी सम्मान,
लेकिन साथ देके बहन जी का हम सतीश मिश्रा का सरकार नहीं बना सकते। मैं बहन जी का साथ देके बीजेपी का कठपुतली नहीं बन सकते हैं। अगर साथ देना चाहते हो साथियों तो यहां पे आज डिसीजन लेना होगा समाज को। हम यहीं पे आके भटक जाते हैं। अरे जनक राम के साथ मैं भी काम किया हूं। जनक राम मेरे जात का सिद्ध हो सकता है, जनक राम समाज का अब नहीं हो सकता। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हमने भी कभी सहमति बताई होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी आज आपके नहीं है। उनकी विचारधारा आज कुशवाहा के सम्राट अशोक की विचारधारा से नहीं मिलती है, जय श्री राम के विचारधारा से अब मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं समाज के हम अपने लोगों से, बैकवाट के लोगों से, ये समाज की सबल जातियां रही है कोयरी कुर्मी और यादव, ये तीनों जातियां आज के डेट में अपने लालच में अपने सत्ता के लिए सारे समाज को दिग्भ्रमित कर रही है। समाज का जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा सबसे काला अक्षर से ये कोयरी कुर्मी और गुवार का इतिहास लिखा जाएगा कि समाज परिवर्तन में इसने व्यवस्था नहीं की। मुझे अगर विचार में जाना होगा तो जगदेव के विचार में जाना होगा, अगर जाना होगा तो ललन सिंह पहले यादव के विचार में जाना होगा। और हम किसके विचार में जा रहे हैं? कृष्णवंशी बने हुए हैं। ये कुशवाहा समाज से पूछता हूं किस संविधान में लिखा हुआ है भाई कि राम के वंशज लाओ कुछ कोई कुर्मी, हमको बता दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। ये शकुनी नीतीश का चाल था कि लाओ कुछ बना के राज शासन में आया और हम लोग अब धार्मिक हो गए हैं। बाहर और एक भी कोयरी कुर्मी वहां पर नहीं नजर आया अयोध्या में। हम पिछले महीने इलाज कराने के लिए गए थे तो एक भी कोयरी कुर्मी का नजर नहीं आया, ना पटेल आया ना कुशवाहा नजर आया। और जय श्री राम का डंका बजा रहे। अरे शर्म तो करो कुछ, नहीं समझ शर्म है तो समझदारी भी तो लाओ। अरे आपके पूर्व सम्राट अशोक का यही भाई सर पे लेके घूम रहा है और तुम जूता उठाने के लिए वहां पर तैयार हो। मुझे सोचना होगा, यहीं पे विचारना होगा, समाज को एक दिशा देना होगा। अगर पूरे देश में कोई एक विचारधारा लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति और व्यक्तित्व पैदा हुआ है, समाज को समाजीकरण में जोड़ने का अगर किसी के पास अगर कुतबा है, किसी के पास अगर हिम्मत है, तो एक ही विचारधारा है, चंद्रशेखर आजाद। हम विचलित हो जाते हैं। एक भाई साहब आए थे, सही बोलते हैं कि वोट के पहले 1400 कर्ज करता थे, 14,000 थे और वोट के पहले तो उनको मुसलमान घोषित कर दिया। आप हिंदू भी बनो, मुसलमान भी बनो, चमार भी बनो, सिख भी बनो, ईसाई बनो, वोट देने के समय जब इतना दिन से आप कितना समझदार आपके पूर्वज रहे कि जब ठगते आया है तो फिर क्यों ठगा रहे हो और फिर अपने आप को समझदार साबित कर रहे हो? एक बार पलटी मारने से आपके देश की सरकार गिर सकती है। एक भाई साहब ने सुझाव दिया था, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के ये मैटर है लेकिन थोड़ा सा साहब के आदेश से मैं बोल सकता हूं, हम गठबंधन क्यों करें उसके साथ? हम गठबंधन की बात करने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? मुझे जूता के नीचे रख के वो गठबंधन की बात करते हैं और मैं चाहता हूं कि बराबरी की बात की जाए। मैं गठबंधन करूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है क्योंकि मेरे ही पिछड़े हुए और बिखरे हुए भाई है वो, लेकिन तब गठबंधन करूंगा जब मेरा भी सम्मान एक भाई की तरह होना लगे। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ा आज के डेट में लालू यादव जी का चेहरा है, बोलते हैं कि सामाजिक न्याय का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं हुआ। आरजे के लोग एकदम सर पे लेके घूमते रहते हैं। लालू जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आरजे दे की शासन थी तो कै प्रसिद्ध यादव छोड़कर दूसरे समाज को टिकट देते? लालू यादव जी की जब सरकार थी तो क्या यादव ही सिर्फ दिखता था? जिस मुसलमान के नाम पे सारे मुसलमानों का वोट लिया, आपसे ज्यादा परसेंटेज है उसका, एक उप मुख्यमंत्री बनाने लायक भी उसको नहीं समझा। मैं पूछना चाहता हूं लालू यादव जी से, किस दलितों के नाम पर आपने राज किया? और एक रमई राम के ऊपर आपने उप मुख्यमंत्री का भी बात किया और सर से जो है सो टोपी भी छीनने का काम कर लिया। आपसे मेरी दुश्मनी नहीं है लेकिन मेरे वो भाई है आप कि मेरा भी हक खा रहे हैं और वही हक की बात के साथ मैं बराबरी के साथ आपके साथ दोषी चाहता हूं, सम्मान के साथ आपके साथ दोषी चाहता हूं। जिस दिन मुझे महसूस होगा कि मेरा भी सम्मान हो रहा है, हम आपका साथ देंगे और जब तक नहीं होगा हम लड़ाई लड़ेंगे ही, लड़ेंगे ही, लड़ेंगे ही जरूर।
नीतीश कुमार जी बहुत बोलते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के, हम कम किए हैं क्या? हम कम दिए हैं दलित को? अरे हम आपसे पूछते हैं, यही दलितवा के चलते तो आप बैठे हैं। आप 2% कुर्मी भाई बड़ा, कोई नहीं कुर्मी मिला के 10% बड़ा कि 22% दलित बड़ा, गणित समझा दीजिए हमको। आपको अपने ताकत का एहसास नहीं होने देता है इन लोगों ने, आपके ताकत का एहसास ये नहीं होने दे रहा है और आप ही का भाई नहीं होने दे रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आपको अपने ताकत का एहसास हो जाएगा, पूरी दुनिया पर आपका डंका बजने वाला है। आज बिखरने का समय नहीं है, आज सोचने का समय है और एक परिवर्तन का भी समय है। साथियों, चंद्रशेखर बार बार पैदा नहीं लेगा, एक देश की आजादी में चंद्रशेखर पैदा लिया था और एक राजनीति की आजादी में भी चंद्रशेखर पैदा लिया है। आप अगर आपने आज समझ लिया तो आपकी जय जय हो जाएगी, और नहीं समझा तो वही काम होगा जो पहले हो किया है। सम्मानित साथियों, समय हमने ज्यादा ले लिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का